एवरीवन, आज फूडबोर्न किचन में हम लोगों ने मलिक्स किचन में पेठा बनाया है, खट्टा मीठा। काशी फल है ये, व्रत के लिए परफेक्ट है ये रेसिपी। नवरात्रों के व्रत के लिए मैंने बनाया है। लुक एट द लवली कलर, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी बना है ये देखिए। व्रत के लिए, नवरात्रों के व्रत के लिए पेठा बनाने के लिए ये वाला पेठा लिया है मैंने, ऑरेंज वाला। 1.25 किलो पेठा लिए, 6 टमाटर लिए, 1/2 किलो से थोड़ा सा ऊपर होगा ये, इतना धनिया, 5 हरी मिर्च एंड 1 टुकड़ा अदरक। इसको पहले हम छील लेंगे, सीड्स रिमूव कर देंगे और काटेंगे। सबसे पहले अदरक का टुकड़ा मैं काट रही हूँ ग्राइंडर में, साथ में ये 6 टमाटर कट कर लेंगे। टमाटर काटने के बाद ये 5 पीस हरी मिर्च की मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम प्यूरी कर लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। टमाटर मैंने प्यूरी कर लिया है, उसके अंदर अदरक हरी मिर्च सब कुछ ग्राइंड कर लिया है इकट्ठे। नाउ एडिंग, आई हैव टेकन कढ़ाई लेके इसके अंदर मैं 2 करछी देसी घी डाल रही हूँ। करछी मेरी बड़े साइज की है, ये गर्म होने देंगे सबसे पहले। घी गर्म हो गया है, एडिंग 1 टीस्पून फुल जीरा, होल जीरा। आई एम टेकिंग 1/2 टीस्पून मोर, 1/2 चम्मच मैंने और ले लिया है, और इसको क्रैकल होने देंगे सबसे पहले। थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। क्रैकल होने के बाद एडिंग टोमेटो प्यूरी जो हमने क्रिस्पी बनाई है, अदरक और मिर्ची डाल के मिक्स इट वेल। एडिंग 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून फुल देगी मिर्च, फुल देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून फुल हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, इट इज जीरा पाउडर। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिलाएंगे इसको। हम पकाएंगे अभी टमाटर को जब तक कि साइड में घी ना छोड़ जाए। टमाटर अच्छे से कुक होना चाहिए। टमाटर हमारा अच्छे से कुक हो गया, घी ऊपर आ गया है। एडिंग पेठा, कटा हुआ, छिला हुआ, कटा हुआ, डाइस किया हुआ, सीड्स मैंने रिमूव कर दिए थे। पेठे को भूनेंगे थोड़ी देर, मसाले के साथ मिक्स करना है। साथ में मैं गरम मसाला डालूंगी 1 टीस्पून, 1 चम्मच फुल मैंने गरम मसाला डाल दिया है। एडिंग 1.5-2 टीस्पून चीनी। पेठा हमारा बहुत ज़्यादा है, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है आप और भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा भूनने के बाद पानी डाल रही हूँ मैं। पानी इतना डालना है कि पेठा डिप हो जाए इसमें। ढक देके और तब तक पकाएंगे जब तक कि पेठा गल ना जाए, बाकी हम आगे करेंगे। 1 बॉईल आने के बाद सिम कर देंगे जब तक कि पेठा गल ना जाए। 35 मिनट्स के बाद मैं इसको खोल रही हूँ। पेठा गल चुका है ना, अब इसको खट्टा करना है हम लोगों को। एडिंग 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर,
अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है अपने हिसाब से आप और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको मैश ही करेंगे, लिटिल लिटिल मैं करछी के साथ ही मैश कर रही हूँ। आप मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, लस्सी बनाने वाला मधानी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा घोट रही हूँ कि थोड़ा सिन्ना भिन्ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगे। लुक एट द लवली कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा थोड़ा मैंने मैशी कर लिया है, नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व। मैं स्टील की कटोरी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए बना है, कांच की कटोरी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, गार्निशिंग विद कोरिएंडर, कटे हुए धनिए के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। इट इज़ रेडी टू सर्व।